Good morning, children. Welcome to GK Online class. Going to teach you GK. Today my topic is sports in movies. Sports in movies, जैसा कि टॉपिक के नाम से स्पष्ट है कि मूवी में स्पोर्ट्स की भूमिका, यानी कि मूवी में जो है ये चैप्टर 36 है. हमारी मूवीज जो है हमारे ही सामाजिक क्रियाकलापों पे बनाई जाती है, उन्हीं से प्रेरित होकर के मूवीज बनती है. ठीक उसी प्रकार स्पोर्ट्स से प्रभावित हो कुछ मूवीज बनी है, जिसमें क्या बताया जा रहा है उन मूवीज के नाम जो स्पोर्ट्स से प्रभावित होकर के उसे बनाया गया है. स्पोर्ट्स से प्रभावित यानी कि स्पोर्ट्स के जो मूल कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से वो स्पोर्ट्स फेमस होता है, और वो पर्सन जिन्होंने उस स्पोर्ट्स के द्वारा इंडिया का नाम रोशन किया है उन्हीं स्पोर्ट्स पर्सन पर ये फिल्म बनती है. ये सुपर हिट भी बहुत होती है, क्योंकि उसमें एक जो इंडियन प्लेयर्स होते हैं उसके डेडिकेशन को दिखाया जाता है कि वो कितनी कड़ी मेहनत करके स्पोर्ट्स में अपना नाम हासिल करते हैं. उन्होंने जो गोल्ड मेडल लाए हैं वो उन्हें आसानी से नहीं मिला है, उसके पीछे उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, जिस तक उन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता. क्योंकि इन्हीं कठिन वर्कों को, हार्ड लेबर को दिखाया जाता है इसमें कि किस प्रकार उन्होंने हार्ड लेवल कर इंडिया के प्रति अपना परचम लहराया है. फर्स्ट देख रहे हैं फिल्म का नाम है, यहाँ ये सभी फिल्म के नाम है. चल दे इंडिया, हाइट कॉम, दरबार, कांसी कोमन, एमएस धोनी और द अनटोल्ड स्टोरी. जो जीता वही सिकंदर. दिस इज द नेम ऑफ स्पोर्ट्स मूवीज. फर्स्ट है चक दे इंडिया. द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम कोच बाय शाहरुख खान विन द वर्ल्ड कप. इसमें हॉकी प्लेयर के ये दिखाया है कि शाहरुख खान को इसमें वर्ल्ड कप के जीते हुए दिखाया गया है. पहली बार जो है ये हॉकी टीम जो है वर्ल्ड कप जीती थी, ध्यानचंद के ने इसका आदि किया था. उन्हीं के कैरेक्टर पर शाहरुख खान ने इस फिल्म के द्वारा वर्ल्ड कप को जीतते हुए दिखाया. मैरी कॉम. दिस बायोग्राफी फिल्म इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ फेमस इंडियन बॉक्सर. यह बायोग्राफी फिल्म जो है किसके बना गया है, फेमस बॉक्सर मैरी कॉम पर बनाया गया है. फिल्म का नाम ही मैरी कॉम रखा गया. लगान. दिस फिल्म इज अबाउट ए क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड बिटवीन ए टीम ऑफ विलेजर्स एंड ब्रिटिश ऑफिसर इन द टाइम ऑफ ब्रिटिश टाइम. ब्रिटिश टाइम में ये लगान में जो है इसमें क्रिकेट गेम को दिखाया गया है, क्रिकेट स्पोर्ट्स को दिखाया गया है. हम लोग पहले क्रिकेट के बारे में नहीं जानते थे, तो अंग्रेजों, जैसा कि फिल्म में भी दिखाया है कि अंग्रेजों ने कहा कि अगर आप क्रिकेट में जीत जाते हो, आप इंडियन अगर क्रिकेट में जीत जाते हो तो आपके इस साल की लगान माफ़ कर दी जाएगी. और हम इंडियन क्रिकेट के बारे में बिल्कुल अननोन थे, लेकिन फिर भी जब इंडिया के लोग जब ठान लेते हैं किसी चीज़ को तो वो जरूर ही करते हैं. तो फिर वो इन गाँव के लोगों ने यह ठान लिया और उसके बाद इसमें उनकी जीत दिखाई जाती है. तो इसी पर यह फिल्म बनी हुई है, ये काफ़ी सुपरहिट हुई है. फोर नंबर को पान सिंह तोमर. यह दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ एन एथलीट. ये पान सिंह तोमर एक एथलीट थे, एक सैनिक थे, और इन्होंने स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल भी जीता था, लेकिन बाद में ये बागी भी बन गए. तो इन्हीं की स्टोरी पर ये फिल्म बनी हुई है जिसका नाम है पान सिंह तोमर. अब आ जाओ फिफ्थ नंबर, एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी. एमएस धोनी की अनटोल्ड मनी बिना सुनी हुई कही हुई ये कहानी जो हमने इस फिल्म के जरिए जाना. दिस फिल्म ट्रेसेस द लाइफ स्टोरी ऑफ ए फेमस इंडियन क्रिकेटर अंडर हुज कप्तानी
कैप्टनसी इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप इन 2011। इंडिया ने 2011 में जो वर्ल्ड कप जीता इनकी कप्तानी में, उसी पर यह फिल्म बनी हुई है। 6 नंबर है जो जीता वही सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर, दिस फिल्म इज अबाउट द एनुअल इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स। तो इंटर कॉलेज में जो एनुअल इंटर फंक्शन स्पोर्ट्स फंक्शन हुआ था, उसके चैंपियनशिप में जिसमें मैराथन और साइकिल रेस दिखाया गया था बिटवीन टू कॉलेज। तो इस प्रकार इस चैप्टर में जो है दिखाया जा रहा है कि कौन कौन से फिल्म किस मूवीज पर बनी है। तो मैरी कॉम जो बॉक्सर थी उसके ऊपर बनी है। लगान एक क्रिकेट बेस्ड फिल्म है। पान सिंह तोवर खुद एक एथलीट थे और उनके पर यह फिल्म बनी। एमएस धोनी, यह हमारे कैप्टन रह चुके एमएस धोनी पर बनी है, जो एक साधारण से प्लेयर से इतने बड़े कप्तानी तक का जो उन्होंने सफ़र तय किया, वो उनका जो जुनून था क्रिकेट के प्रति, वो इस फिल्म में दिखाया गया है किस प्रकार उन्होंने अपने जुनून को पूरा करने के लिए कि हम क्रिकेट में ही अपना नेम हैं पाएंगे, तो उनके संघर्ष को इसमें दिखाया है। जो जीता वही सिकंदर में, उसमें दो कॉलेज की मैराथन रेस को दिखाया है। एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन होता है, उसमें किस प्रकार जो है कॉलेज दूसरे कॉलेज से जीतता है, उसी को दिखाया है। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर के माध्यम से स्पोर्ट्स और बेस्ट मूवी को जाना। ओके, बाय।